फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और सभी खुश होंगे। जब भी कोई नवजात शिशु होता है, उसकी हर छोटी बड़ी बात का हम बहुत ही अधिक ख्याल रखते हैं। देखिए दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनकी आंखों में बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं कि पानी सा भरा रहता है। ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चा रो नहीं रहा होता है, बच्चे की आंख में पानी भर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। उससे पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन का बटन दबाना भूल जाते हैं, जिसके कारण आपको मेरे आने वाले वीडियोज का अपडेट नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की आंखों के यहाँ पर पानी का भरना, ये एक तरह का ब्लॉकेज होता है जो बच्चों की आंखों में हो जाता है। बच्चों की आंखों के ऊपर जो आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है, जो आंसू बनाती है, जिससे कि बच्चों की आंखों में आंसू आते हैं, तो कुछ आंसू तो बहकर निकल जाते हैं और कुछ आंसू हमारे जो ये आंख के यहाँ पर ये पॉइंट होता है, इसमें जो हल्का सा छेद होता है, उससे नाक में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये छेद यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है और जो बचा हुआ पानी है वो हमारी नाक में नहीं जा पाता है, जिसके कारण वो आंखों में ही इकट्ठा होता रहता है, जिसे हम टीयर ग्लैंड को हम ब्लॉकेज भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों की आंखों में पानी का भरना, कि हम समझते हैं बच्चे रो रहे हैं लेकिन बच्चा रो नहीं रहा होता है, ये बच्चे की ब्लॉकेज के कारण होता है। इसके क्या क्या कारण होते हैं कि बच्चे, और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चे की आंखों में पानी भरने के, या हो सकता है बच्चे की आंख में कोई इन्फेक्शन हुआ हो। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे की आंखें लाल हुई हैं, बच्चा आंखों को खुजा रहा है, तो वो किसी संक्रमण के कारण भी हो सकता है। सर्दी लगने के कारण भी बच्चों की आंखों में बहुत बार पानी आ जाता है, कि सर्दी जुकाम अगर बच्चे को हुआ है तो उसके कारण भी बच्चों की आंखों में खुजली होना, जुकाम होना, उस जुकाम के साथ आंखों में पानी आना बहुत ही आम समस्या है। उसके अलावा अगर किसी तरह की बच्चे को एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी के कारण भी बच्चे की आंखों में पानी आ जाता है और बच्चा आंखों को बहुत बार खुजाने लगता है, तो किसी एलर्जी के कारण भी बच्चे की आंखों में पानी आ जाता है। तो ये तो दोस्तों बहुत सारे कारण हुए। आज का जो मैं बात कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ कि अगर बच्चे की टीयर ग्लैंड जो है, अगर वो ब्लॉक हो गई है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई पहली बार माता पिता बनते हैं तो वो हर छोटी बड़ी बात से बहुत अधिक घबरा जाते हैं। जब मेरा बेटा छोटा था तो क्या होता था कि उसकी आंखों में पानी तो नहीं भरता था, लेकिन यहाँ पर व्हाइट व्हाइट इकट्ठा हो जाता था। अगर बच्चे की आंख में आपको व्हाइट व्हाइट इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है या येल्लो इकट्ठा हुआ होता हुआ दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि बच्चे की आंखों में कोई ना कोई एलर्जी हुई है, बच्चों की आंखों में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। अगर आप देख रहे हैं बच्चे का ये वाला पार्ट थोड़ा सा सूज गया है, तो बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन है। अगर जैसा कि मैंने बताया, बच्चों की इस साइड या इस साइड गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो बच्चे की आंखों में कुछ समस्या है। अगर बच्चे की आंखों में पानी भर रहा है, तो बच्चे की आंखों में कोई समस्या है। तो ये सारे, बच्चा आंखों को लगातार खुजा रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चे की आंखें लाल हैं, तो ये सब एलर्जी और किसी न किसी प्रॉब्लम को ही शो करती हैं। अब बात आती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या इसके लिए हम कोई घरेलू उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे बच्चे के साथ आंखों के कोई घरेलू उपाय नहीं होते हैं। सबसे पहले तो आपको कारण जानना होगा, क्योंकि अगर मैं कहूं कि हाँ आप आंखों की सिकाई कर सकते हैं, जो कि आंखों के इन्फेक्शन में बताई जाती है, लेकिन अगर दोस्तों आपको कारण ही नहीं पता है, आपको रीजन ही नहीं पता है कि बच्चों की आंखों में समस्या क्या हुई है, तो आप कैसे ठीक कर पाएंगे। इसके लिए आपको दोस्तों थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, जिससे कि बच्चे को इन सब चीजों का इफेक्ट ही ना पड़े। सबसे पहले तो आपको साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। बच्चों की आईज को, आंखों को टच करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करें, बच्चे के हाथों को अच्छे से साफ करें। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे की आंखों में पानी आ रहा है, गंदगी इकट्ठी हो रही है, सूजन हो रही है, या बच्चे आंखों को खुजा रहे हैं, कोई भी अगर रीजन आपको दिखता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही हल्का सा पानी गर्म कीजिए, एक कॉटन का रुमाल लीजिए, उसको अच्छे से पानी में डिप करके निचोड़ लीजिए। दिन में कम से कम 7 से 8 बार, या मैं कहूँ हर घंटे में एक बार बच्चे की आंखों को अच्छे से साफ कीजिए। दोनों आंखों को अलग अलग कपड़े से साफ कीजिए, एक कपड़े से साफ मत कीजिएगा। साफ करने से क्या होगा, एक तो बच्चे की आंख में गंदगी इकट्ठी नहीं होगी और बच्चे की आंख बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सबसे पहला काम दोस्तों आपको ये करना है।
दूसरी चीज क्या करनी है, देखिए ये जो बच्चों की आंखों के में ब्लॉकेज हो जाती है ये आप घर पर बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर चीज की आप मेडिसिन स्टार्ट करें, हर चीज के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। देखिए दोस्तों ये वाला जो बच्चों का पॉइंट होता है, आप क्या कीजिए, इसको डेली रूटीन में हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में घुमाइए, ये वाला इस तरीके से। दिन में दो दो तीन तीन बार इसको कीजिए, अगर बच्चे की आईज ठीक है अगर तब भी आप इसको करते हैं, क्योंकि ये समस्या दोस्तों छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। अगर आप समय रहते ये सब चीजें स्टार्ट कर देते हैं तो आपके बच्चे को ये समस्या होंगी ही नहीं। तो आप इसके अच्छे से इन पॉइंट को दबा कर बच्चे को सर्कुलर मोशन में घुमाइए। ये घुमाने से दोस्तों आपके बच्चे की आई ग्लैंड जो बंद हो जाती है, जो ब्लॉकेज हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। बच्चे के आंखों में पानी इकट्ठा नहीं होगा, जो आंसू बच्चे के कहते हैं ना आंसू मर गए, आंसू आंखों में इकट्ठे हो रहे हैं, सूख गए जाते हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे की आईज बिल्कुल ठीक रहेंगी। अगर यहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो रही है तो समय समय पर साफ करते रहे, दो दिन में आपके बच्चे की आंखें ठीक हो जाएंगी। पानी भरने की समस्या है, इस एक्सरसाइज को कीजिए, बच्चे की आंखें ठीक हो जाएंगी। अब बात आती है कि डॉक्टर के पास कब जाएं। अगर आपको दिख रहा है बच्चे को बहुत अधिक ईचिंग हो रही है, परेशानी हो रही है, बच्चे की आंखें ज्यादा लाल हो रही हैं, क्योंकि बच्चों की आंखों में या गंदगी इकट्ठे होना या आंखों में पानी इकट्ठे होने, दोनों में ही आंखें लाल नहीं होती हैं। और अगर आपके बच्चे की आंखें ज्यादा लाल हो रही हैं, आपको उस पर कोई भी सूजन वगैरह दिख रही है, तो ऐसे में आपको कोई भी घरेलू उपाय नहीं करना है, अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर उसको अच्छे से मेडिसिन देंगे, बच्चों की आई को क्लीन करेंगे, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घरेलू इलाज या कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है। बच्चों की आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये भी केवल साफ सफाई और एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो बच्चों की इस पॉइंट को ब्लॉक होने से बचाती है। इसके अलावा आपको बच्चे की आंख में अपनी तरफ से कोई भी आई ड्रॉप नहीं डालनी है, ये बच्चे के लिए हो सकता है कि खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों की हर दवाई बिल्कुल अलग अलग होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।